सब्सक्राइब करें हिंदी न्यूज चैनल को और सबसे पहले न्यूज पाने के लिए घंटे को जरूर दबाएं, ये बिल्कुल फ्री है। मारुति सुजुकी स्विफ्ट ने जीता इंडियन कार ऑफ द ईयर 2019 का खिताब। देश की सबसे बड़ी कार मेकर कंपनी मारुति सुजुकी की सबसे ज्यादा बिकने वाली हैचबैक कार स्विफ्ट ने मुंबई में हुए एक इवेंट में इंडियन कार ऑफ द ईयर 2019 खिताब अपने नाम दर्ज कर लिया है। हालांकि मारुति स्विफ्ट इससे पहले भी 2006 और 2012 में यह अवार्ड अपने नाम कर चुकी है। स्विफ्ट ने प्रतिष्ठित इंडियन कार ऑफ द ईयर आईकोटी 2019 अवार्ड जीत लिया है। इस कार को फरवरी में ऑटो एक्सपो 2018 के दौरान लॉन्च किया गया था। नई जेनरेशन स्विफ्ट भी पिछले मॉडल की तरह ही बाजार में सफल रही। वास्तव में मारुति स्विफ्ट को अक्सर भारत में सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला हैचबैक माना जाता है। आईकोटी कमेटी की ओर से आयोजित कराए गए इवेंट में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी कई बड़ी हस्तियों के साथ ही ऑटो सेगमेंट के कई दिग्गज जर्नलिस्ट मौजूद थे, जिसमें मारुति सुजुकी के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मिस्टर केनिची आयुकावा को सभी जूरी मेंबर द्वारा साइन किया गया विनर सर्टिफिकेट और ट्रॉफी सौंपी गई। आपको बता दें कि नई मारुति सुजुकी स्विफ्ट 1.0 लीटर पेट्रोल या 1.0 लीटर डीजल इंजन के साथ आती है। इसका पेट्रोल इंजन 83 BHP का पावर और 113 Nm का पिक टॉर्क जेनरेट करता है, वहीं डीजल इंजन 74 BHP का पावर और 190 Nm का पिक टॉर्क जेनरेट करता है। यहां ट्रांसमिशन के लिए 5-स्पीड मैनुअल या AMT यूनिट मिलता है। हमें कमेंट करके बताएं आपको यह कार कैसी लगो और क्या आप यह कार खरीदेंगे। हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और हमारी इस वीडियो को लाइक की हमारे चैनल हिंदी न्यूज को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।